तो दोस्तों, परमैन, डोरेमोन, किट्रेसू जैसे शोज तो आप सब ने देखे होंगे। तो दोस्तों, कई बार इन शो में ऐसी भी चीज़ें दिखाई जाती है जिनके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता और एक मिस्ट्री बन के ये रह जाते हैं और फिर हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ और कैसे हुआ और कई सारे सवाल मन में उठते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ऐसी पाँच मिस्ट्रीज आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, जो सबसे पहली मिस्ट्री है वो है बर्डमैन की ट्रू आइडेंटिटी। अब दोस्तों, परमैन के इतने सारे एपिसोड्स आ चुके हैं लेकिन अब तक एक भी एपिसोड में हमें बर्डमैन का चेहरा नहीं दिखाया गया है, यहाँ तक कि उसकी मांगा में भी उसका चेहरा नहीं दिखाया गया है। तो दोस्तों, आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ऐसा माना जाता है कि जो बर्डमैन है वो इस तरह दिखता है, लेकिन कई सारे ऐसे मानते हैं कि बर्डमैन के पास एक पावर है जिससे अपने वो फेस को चेंज कर सकता है। और दोस्तों, कई सारे फैंस तो ऐसा भी मानते हैं कि जो असल में मित्सु है वही बर्डमैन है। अब दोस्तों, हमें पता है कि बर्डमैन के पास कई सारे गैजेट्स टाइप के भी है, तो हो सकता है कि उसके पास टाइम मशीन भी हो। और फिर बाद में हमने परमैन की एंडिंग में देखा था कि जो परमैन है वो बर्डमैन के प्लेनेट में चले जाता था और हो सकता है कि वहाँ पे मित्सु बाद में बर्डमैन बन गया हो और फिर बाद में वो टाइम मशीन से वापस पास्ट में आया हो। क्या पता ये बात सच भी हो। तो दोस्तों, जो हमारी दूसरी मिस्ट्री है वो है निंजा हथौड़ी की। तो दोस्तों, जो निंजा हथौड़ी और जो शिंजो है उसका भाई, वो दोनों ही ईगा गांव से आए हैं। अब दोस्तों, हमें पूरे एनिमी और यहाँ तक कि हथौड़ी की पूरी मांगा में भी हमें कभी भी शिंजो और हथौड़ी के बाल नहीं दिखाए गए हैं। क्या आपने बात नोटिस करी है? क्या आपको कोई ऐसा एपिसोड याद है जिसमें आपने निंजा हथौड़ी के बाल देखे हो? नहीं होगा, क्योंकि निंजा हथौड़ी के बाल हमें किसी भी एपिसोड में नहीं दिखाए हैं। अब दोस्तों, जो हमारी तीसरी मिस्ट्री है वो भी परमैन और किट्रेसू एनिमी की है। अब दोस्तों, जो परमैन और किट्रेसू का एनिमी था वो बहुत जल्दी ही ख़त्म कर दिया गया था। ये शोज बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, ऑडियंस के बीच में भी ये बहुत पॉपुलर थे, लेकिन इनकी एंडिंग बहुत जल्दी जल्दी में करी गई। पता नहीं ऐसा क्यों है, ऐसा लगता है कि जैसे किट्रेसू की एंडिंग को बहुत जल्दबाजी में बनाया गया हो और मांगा से तो बिल्कुल अलग ही बना दिया गया था। और जो परमैन का जो लास्ट एपिसोड है वो तो बना ही नहीं पाए थे। ये काफ़ी पॉपुलर शोज थे, फिर भी पता नहीं क्यों इन्हें इतनी जल्दी बंद कर दिया गया। अब दोस्तों, जो हमारी चौथी मिस्ट्री है वो भी परमैन से ही है। अब दोस्तों, आपको जिंचू हथौड़ी याद ही होगा, जैसे कि आपने इमेज में देखा है। तो बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि असल में ये जो जिंचू हथौड़ी है वो निंजा हथौड़ी का फादर है। अब जरा आप इसको ध्यान से देखो, ये दिखने में बिल्कुल निंजा हथौड़ी जैसा ही दिखता है और इसके कपड़े भी बिल्कुल सेम ही दिखते हैं। और ये जो जिंचू हथौड़ी है ये परमैन को अपने साथ मुकाबले के लिए चैलेंज करता था। तो क्या पता ये बात सच भी हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।